हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 21 के बारे में, जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 21 क्या बताता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं हो सकता अपने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय करने में। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन एक किसी व्यक्ति का लाइफ एवं जो पर्सनल लिबर्टी है, मतलब स्वतंत्रता को, कोई भी स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा पाएगा। ठीक है, कोई भी डिप्राइव नहीं कर पाएगा। तो ये है आर्टिकल 21, जब तक कोई लॉ का प्रोसीजर उसको रोक नहीं लगाते। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं इस नोट्स में। तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन का लाइफ और लिबर्टी को हैम्पर नहीं कर सकता, इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, द राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। मतलब ये जो अधिकार है, जिंदा रहने का जो अधिकार है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये सिटीजन को भी, एक इंडिया के नागरिक को भी मिलता है, और जो बाहर देशों से हमारे देश में आया है तो उसके पास भी ये आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल वी नीड टू गो थ्रू सम फेमस केस जजमेंट्स। तो ये आर्टिकल को डिटेल में समझने के लिए हमको थोड़ा जो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले हम एक फेमस केस देख लेते हैं, इन गोपालन केस द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। ये गोपालन का केस जब हुआ था 1950 में, तो तभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आर्टिकल 21 का एक नैरोअर इंटरप्रिटेशन पेश किया था। ठीक है, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है, इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, आर्बिटरी अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, उसके ऊपर ही सिर्फ रोक लगा सकता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कोई पुलिस जो कि एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ मेकर्स है उसके लिए नहीं, नो लेजिस्लेचर बट नॉट लेजिस्लेचर। मतलब आर्टिकल 21 जो है इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो सकता है, सिर्फ आर्बिटरी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसके अगेंस्ट ही किया जा सकता था, नॉट द लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर ने तो लॉ बनाया, लेकिन वहां पे क्या लिखा था आर्टिकल 21 में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश, लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर देगा उसके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन लॉ तो लेजिस्लेचर बनाता है, यहाँ लॉ अगर सही भी हो या गलत भी हो, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता था पहले जो इंटरप्रिटेशन था उसके। ये तो नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जैसे कि हमने देखा कि वहां पे क्या लिखा था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, हेंस द वैलिडिटी ऑफ द लॉ का जो वैलिडिटी है कैनॉट बी क्वेश्चन और चैलेंज। ये लॉ का वैलिडिटी, लॉ सही है या गलत है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लॉ जैसा भी है उसके अनुसार अगर कोई भी जो एग्जीक्यूटिव अगर आर्बिट्ररी ने शो करता है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 21 अवेलेबल है। ठीक है, हेंस द वैलिडिटी ऑफ द लॉ कैनॉट बी क्वेश्चन और चैलेंज वेयर प्रोसेस और प्रेस्क्राइब्ड, प्रोसेस आर प्रेस्क्राइब्ड, दैट मीन्स नो पर्सन कैन क्वेश्चन ओवर द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब ये लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया, इसका क्या वैलिडिटी है, ये सही है या गलत, ये चूज करने का कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, दैट मीन्स नो पर्सन कैन क्वेश्चन ओवर द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ ने जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है वो सही है या गलत है, कोई भी ये विचार नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। जो लॉ है, लॉ जो भी बोलता है उसको ही पालन करना पड़ेगा। लॉ हो सकता है कि वो अनरीजनेबल हो, अनफेयर हो, अनजस्ट हो। ये डिसीजन किस में दिया गया था, गोपालन केस में। तो अल्टीमेटली गोपालन केस में क्या बताया था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो इंटरप्रिटेशन था वो नैरोअर कंसेप्ट में लिया गया, और इसमें यह बताया गया कि जो लॉ है, लॉ एब्सोल्यूट है, लॉ हो सकता है, लॉ मे बी अनफेयर अनरीजनेबल, बट द एग्जीक्यूटिव हैज टू फॉलो द लॉ। ओके,
लेकिन इसके बाद और एक केस हुआ जिसमें इस केस का डिसीजन को क्वेश्चन कर दिया गया। उसके बाद इन 1978 में मेनका गांधी का एक केस हुआ था, इसको पासपोर्ट केस के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये केस का जो जजमेंट था कोर्ट ने जो दिया था वो ओवर रूल कर दिया था जजमेंट ऑफ गोपालन केस। गोपालन जो केस था उसका जजमेंट को इस ये जजमेंट ने ओवर रूल कर दिया था बाय टेकिंग वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 और एक जो वाइडर कंसेप्ट है वाइडर इंटरप्रिटेशन को कंसीडर करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ओवर रूल किया था गोपालन केस को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ। मतलब जो लॉ है जो कानून बनाता है, ठीक है, वो जो कानून है वो ऐसा भी हो सकता है जो किसी का राइट और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर कर सकता है, डिप्राइव कर सकता है। तो कोर्ट ने ये सोचा था। फिर समटाइम्स द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ माइट बी अनरीजनेबल, क्योंकि ऐसा भी कोई किसी भी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे जो लॉ है जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है लॉ में तो वो अनरीजनेबल हो सकता है, अनजस्ट हो सकता है, अनफेयर हो सकता है। तो सो द कोर्ट सेड, इसलिए कोर्ट क्या बताता है, द प्रोटेक्शन अंडर 21 आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव के ऊपर ही ये लागू नहीं होगा, उसके साथ साथ बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, और आर्बिट्ररी जो लेजिस्लेटिव एक्शन इसके ऊपर भी आर्टिकल 21 काम करेगा। और साथ साथ कोर्ट ने ये भी बताया, फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21, जैसे कि 21 में लिखा गया है, इज नॉट मेयरली कॉन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस, ये किसी जानवर की तरह सिर्फ जीवित रहना ही काफ़ी नहीं है और सर्वाइवल, बट इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जीना आवश्यक है, एंड ऑल दोज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच इज एसेंशियल टू मेक ए मैंस लाइफ मीनिंगफुल कम्प्लीट एंड वर्थ लिविंग। मतलब आर्टिकल 21 ने जो राइट टू लाइफ का जो डेफिनेशन दिया है वो सिर्फ एक एनिमल जैसे जीवित रहने में ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ साथ जो ह्यूमन है वो ह्यूमन डिग्निटी और जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है एक जीवन को चलाने के लिए, जैसे कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कंप्लीट वर्थ लिविंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन को भी ध्यान में रखना होगा राइट टू लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए। फाइनली द कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड सम ऑफ द राइट्स ऑफ द आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट है, फिर भी कुछ नीचे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो पहला है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, सही तरह से मनुष्य की तरह जीना, ठीक है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट डिसेंट होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैजर्डस इंडस्ट्रीज। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू ट्रैवल, और ये जो राइट टू ट्रैवल है ये मेनका गांधी केस में भी डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो ये सब आता है आर्टिकल 21 के अंदर, और आर्टिकल 21 के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आर्टिकल 21 आपको समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक भी कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस नोट्स रिलेटेड और कोई भी चैप्टर रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।